नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। और फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है और बाजार, दुनिया भर के बाजारों की नजरें फेड की इस मीटिंग पर टिकी हुई है कि फेड से किस तरह का आउटकम सामने निकल कर आएगा। और उसी इंतजार में बाजार की चाल भी यहां पर फिलहाल बहुत ही दायरे में दिख रही है। ऐसे में अब आपको फेड की मीटिंग से करना क्या चाहिए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर है एंजल कमोडिटी के एवीपी अनुज गुप्ता दिल्ली से। अनुज, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत कम इंतजार बचा है फेड की मीटिंग का, क्या करना चाहिए बैठक से पहले? मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि मीटिंग से पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है। हालांकि गोल्ड का ट्रेंड डाउन है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में बिकवाली करके ही चलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते बट उनकी जो स्टेटमेंट होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ाते फिर भी अगर वो कुछ भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं यूएस इकोनॉमी के ऊपर तो हो सकता है कि उससे मार्केट में करेक्शन देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन फेड के लिए अनुज कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि जापान की रेटिंग S&P ने घटा दी है। अब फेड के लिए और ज्यादा दुविधा के हालात हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हो सकता है कि फेड फिलहाल होल्ड करे दिसंबर के महीने में बढ़ाए रेट? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह की मार्केट कंडीशन बनती जा रही है, जापान को भी डी ग्रोथ की रेटिंग दी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार वो अपने डिसीजन को होल्ड करे। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से हम देखें तो गोल्ड में और सिल्वर में एक मार्केट रेंज में रहेगा। गोल्ड थोड़ा बिकवाली की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, चांदी के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्या चांदी में आपकी कुछ अलग राय होगी या फिर चांदी में भी आप बिकवाली की सलाह देंगे? देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। चांदी के अंदर करीबन 34,700 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट करीबन 35,400 देखने को मिल सकते हैं। मीन्स ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर गोल्ड बेच के चल सकते हैं और चांदी में बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज कुछ प्रमुख शहरों में गोल्ड और सिल्वर के भाव क्या है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 26,175 रुपए है, मुंबई में 26,175 रुपए, अहमदाबाद और जयपुर में 26,250। चांदी की अगर बात करें तो दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव 34,775 रुपए है, मुंबई में 34,850 और अहमदाबाद में 34,480 और जयपुर में 34,625। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है और रुपया कमजोर हुआ है। ये दो अहम फैक्टर हैं जिसने क्रूड के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। आपको लगता है अनुज की इस तेजी का फायदा बाइंग करके उठाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें क्रूड में तो थोड़ा सा ब्रेकआउट भी टेक्निकल चार्ट्स पे देखने को मिला है और अगर हम देखें तो लोअर लेवल से बाउंस भी हुआ, इवन वॉल्यूम्स भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट करना चाहिए, तो करीबन 3,000 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि टारगेट करीबन 3,060 पर देखने को मिल सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात है एग्री मार्केट की। और चने में निचले स्तर पर बाइंग बढ़ गई है। अगर देखें तो दिल्ली में करीब 25 रुपए की मजबूती है, अराइवल में कमी है और वायदा बाजार में करीब 106 रुपए की मजबूती है। 4,400 के ऊपर पहुंच चुका है भाव जो कि 4,300 के नीचे लुढ़का था। अब आपकी राय चने के ऊपर क्या होगी? देखिए चने में देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रेशर कायम है, हालांकि जो मार्जिन बढ़ाए गए थे वो अभी भी इस पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलर राइस की रणनीति अपनानी चाहिए, तो करीबन 4,450 के आसपास बिकवाली करके चले, नीचे टारगेट 4,750 तक देखने को मिल सकते हैं। सोयाबीन में गिरावट बढ़ गई है, इंदौर में करीब 25 रुपए की नरमी है, अराइवल बढ़ने से कीमतों पर दबाव के हालात बने हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी बिकवाली करने का मौका है 3150 के टारगेट के लिए? देखिए मुझे लगता है कि सोयाबीन और रिफाइंड सोया में कल हमने काफी शार्प रिकवरी देखी थी, तेजी से पुल बैक आता हुआ देखा था और हमने देखा था कि थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुए, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में लोअर लेवल पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं, करीबन 3190 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट करीबन 3250 तक देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, वक्त तक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं 4 बजे की बड़ी खबरें गौरव के साथ।